ब्लेसिंग्स वर्षा जी, ब्लेसिंग्स जया जी, ब्लेसिंग्स शुभम जी, ब्लेसिंग्स गीता जी, ब्लेसिंग मीता जी, ब्लेसिंग्स रूपा जी, ब्लेसिंग नेहा जी एंड ब्लेसिंग्स रिंकू जी, ब्लेसिंग्स रागिनी जी। गुरु जी, आई नीड अ हीलिंग फॉर माय डॉटर। वी टॉक ऑन माय फोन, नॉट इन अ ग्रुप सेशन, ओके? इन द लास्ट आई कैन ऑफर, ओके? सो you are already healer and you can offer own healing, but anyway I will give a call to you. Very fast running program for the International Yoga Day, and communication with them, because I am unable to help hand myself, baki sab log hain help karne ke liye. So what we are going to do, the beauty is that their coolies are little bit very in interesting mode, उत्साह में हैं। हम परसों निकल जाएंगे फ्लाइट से सुबह 8:30 बजे, और सॉरी हाँ 8 बजे निकल जाएंगे, 11 बजे 20th को हम पहुंच जाएंगे, और 21st को मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 का सेशन लेकर हम 3 बजे की वापसी फ्लाइट से आ भी जाएंगे घर, बिकॉज यू नो थोड़ा मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, ब्रदर भी आने वाला बड़ा, तो वी आर गोइंग टू ऑल ब्रदर्स गोइंग टू कलेक्टेड, सो वी साइडेड स्पेंडिंग टाइम इन द दिल्ली, आई डिड माय जर्नी शॉर्ट। ये होता है, हो सकता है मैं अपने अनुयायियों से मिलने को बहुत टाइम लगा दूं, 1-2 दिन का टाइम दूं, फरीदाबाद जाऊं, वहां जाऊं, यहां जाऊं, सब कोई यूज नहीं। अगर आप में पावर है, अगर आप में शक्ति है, आपका श्रद्धा आपका विश्वास है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है जो मैं आपको सिखाता हूँ, क्या मेरी फैमिली इकट्ठी हो रही, 22 को वहां प्रोग्राम मना लिया, मैंने 21 को ही मैं रिटर्न हो जाऊंगा, ड्यूटी एज ए फॉर द पोर्टर्स, वो ड्यूटी मेरी कंप्लीट करके आऊंगा, और ऐसा तो मैं हफ्ते भर भी रुकू वहां पे तो काम है, तो बिकॉज मैं उस ऊर्जा में था इसलिए मैं आपसे मैंने बात भी की। बच्चों लोगों को भी मैं ऑनर कर रहा हूँ, वरिष्ठ लोगों को ऑनर कर रहा हूँ, और साथ ही उन लोगों को भी ऑनर कर रहा हूँ जो वुमन पोर्टर है। आप कल्पना करो, एक लड़की, एक लेडीज, एक माँ कंधे पर वजन उठाती है, हम इससे शर्म की बात क्या होगी हमारे समाज को। तो मैं तो मेरा बस हो ना तो उन दोनों कुलियों को बोलूंगी तुम दिन में कत्ता कमाते हो, बोलेगा मैं बोलूंगा मुझसे लो आप, मैं किसी को बोल लूंगा अभी, लेकिन वो भी एक प्रकार का वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन एक महिला है अपना वजन उठाती, कितनी बड़ी बात। महिलाएं पुलिस में भी है, महिलाएं आर्मी में भी है, तो ठीक है भाई, शनि भगवान की कृपा है, शनि वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो कभी ना कभी मेरा मर्म उठता, दर्द उठता है, तो मैं बोलता हूँ आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि आप मेरे एक परिवार के सदस्य हो, मेरी पत्नी मेरे बच्चों से भी कहीं गुना बड़े हो। 1 घंटा हम बात करते हैं, मिलते हैं। पुनः आते हैं योग दिवस की तैयारी, अब आपको लग रहा होगा सब जगह योग दिवस, योग दिवस, योग दिवस, लेकिन हम योग दिवस से हम क्या समझते हैं? जो सालाना योग करते हैं उन दिन का, 1 दिन का सेलिब्रेशन होता है योग। जो योग करते ही नहीं और उस दिन केवल दिखावा करने आते हैं, दैट्स नॉट, मैं उनसे उन पर मेरा ध्यान नहीं। एक नियमित आप योग करते हैं और एक दिन संयुक्त योग करते हैं, उसकी डिवाइन एनर्जी क्या होती है आपको नहीं मालूम। जैसा हम ग्लोबल हीलिंग डे में करेंगे, ग्लोबल हीलिंग डे में हम जितने लोग हैं, जो नहीं आ पाएंगे उनको फेसबुक लाइव देखने को मिलेगा, एक साथ सभी धर्म अपने अपने धर्मों की आवाज में इस मानव धर्म के लिए प्रार्थना करेंगे, वो भले कोई भी प्रांत हो, कोई भी सिटी हो और कुछ भी। ऑलवेज दैट एनर्जी वर्क, ऑलवेज ग्रुप एनर्जी वर्क। ओके, सो
सो योग दिवस इट इज जस्ट साइंटिफिकली द डे ऑलवेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 21st ऑफ जून एंड 14th ऑफ जनवरी द मकर संक्रांति द 21st ऑफ जून द डे आर रिड्यूसिंग दिन छोटे हो जाना चालू हो जाते हैं आप देखिए 21 जून के बाद जल्दी रात हो जाएगी इंडिया की बात करो और 14 जनवरी के बाद से उल्टा प्रोसेस चालू होगा 21 जून से भी होगा और मेरा पूरा विश्वास है सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए मैं तो उस दिन का भी क्या इंतजार हूँ मैं तो इस पल के बाद से ही जिससे मैं आपसे बात करूँ आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और अगर असकारात्मक है तो उसको स्वीकार करने का भाव अपने वहां है कुछ सभी चीज कल हमने डिस्कस कर रहे थे इस लास्ट 2 डेज आपके हिसाब से नहीं हो सकती हमें भी किसी के हिसाब से होना होगा एंड आई रिस्पेक्ट देम रियली आई रिस्पेक्ट देम दोज आर फॉलोइंग नॉलेज विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन आपको बताओ कितना अच्छा लगता होगा जब आप पढ़ाते हो और कुछ बच्चे उसको फॉलो करके आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं और वो परीक्षा में अव्वल आते हैं आप तो मैं एग्जाम तो क्या होने लेने वाला है बट डेली मुझे पता रखता है वो नॉलेज वो रिकैप करते हैं वो डिस्कशन करते हैं बात करते हैं कितना अच्छा लगता है मैंने ये कर लिया गुरु जी मैंने कपाल भांति कर ली मैंने ये कर लिया ये भावनाएं व्यक्त करने के शब्द नहीं होते आप तो अपनी कृतज्ञता में डाल दो पर हाउ आई रिसीव पॉकेट पूरे लाइन से आपके सब साधना का टाइम आएगा मैंने कपाल भांति करी मैंने ये करा अनुलोम विलोम करा चक्र प्राणायाम करा मैंने ये और ये कहां की उपज है अपन दोनों साथ में इसकी उपज 100% उसके जीवन में परिवर्तन तो आएगा लेकिन उसके द्वारा भी न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा ये आप मान तो फोकस में अभी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस क्या है पूछने बैठू आपसे तो मुश्किल से 1-3-4% के रिप्लाई मुझे मालूम है आप लोग मेंटली इतने ऑक्यूपाई हो कि सैंडविच को जगह देना डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस को भस्म योग को समझाना है क्या होगा है लेकिन आप अवेयर हो इससे इनफ When right time come, you will start. अगर नहीं कर रहे हो दिन भर योगा अगर मेरे साथ बैठ के कर रहे हो तो आधा घंटा ध्यान तो कर रहे हो I respect you all of the people, those are coming regularly. At least you are giving little bit pranayama, little bit asana and ध्यान You are doing regularly ना इस बात के लिए अपना एक हाथ ऊंचा करो जैसे अपनी 5 एलिमेंट बॉडी को ब्लेक उड़ास वेरी गुड अपनी तारीफ भी खुद करो अपनी बुराई भी खुद करो किसी और को मौका मत दो आज मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा कि आपका जस्ट वेट इट्स अ वेरी गुड कोटेशन टुडे आई रिसीव वेट खैरियत भी उन्हीं से पूछी जाती है जिनके जेब में पैसा होता है खैरियत भी उनसे पूछी जाती है जिनकी जेब में पैसा होता है अरे खाली जेब वालों से तो लोग नजरें चुरा कर निकल जाते हैं यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन इन इंग्लिश जया पीपल ऑल्सो इंक्वायर द वेलबींग ऑफ ओनली दोज हु आर वेल्दी दैट इज हु हैव मनी इन देयर वॉलेट And those who don't have anything, right? People just stare at them and leave. They don't even inquire. आधे लोगों को ये तनाव नहीं है कि इसके पास पैसा नहीं है आधे लोगों को ये तनाव है कहीं मांग नहीं ले और रिश्ते क्षण में हमें देना नहीं पड़े ये भी तनाव है अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं Let's enjoy your every stress, but talk with yourself and time pair. अपने आप को अच्छा काम करो appreciate भी करो बॉडी को जैसे मैंने करवाया अभी ऐसा लगे ना यार मैंने अच्छी साधना करी मजा आ गया अरे वाह यार मिश्रा जी मजा आ गया एप्रिशिएट योरसेल्फ दैट्स रियल एप्रिसिएशन बाय योर सोल वर्षा का ध्यान कहीं हो रहा है अरे गुरुजी बहुत अच्छा ध्यान हुआ गुरुजी खुश हो गए
वर्षा बिचारी अपने काम में लगी थी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे वर्षा मेडिटेट करती, तो अपने से ही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगो जब सुबह कांच में खड़ो, देयर इज द बिगेस्ट, आप सर्टिफिकेट दिखाते ना ऑनर के, ये मिला, ये गोल्ड मेडल नहीं, ये फलाना मेडल नहीं, ये एक्नॉलेजमेंट, कभी अपने आप को सर्टिफिकेट देना, जमाना तो आपको दे देगा, 1,00,000 रुपए दे दोगे तो वो तो, 10,00,000 दे दोगे तो पद्मश्री दे देगा आपको, बिकते हैं पद, ये ऑनर आपको। आज की तारीख में ऐसा ऐसा स्कैंडल चल रहा है मेरे पास, मेरे दिनों है क्या नहीं, ऐसे मैसेज आते हैं, बोला कपूर आपको हम ये कराएंगे और हम आपको ये वाले हीरो से इनाम दिलवाएंगे। लगो मैंने बोला यार ये कहाँ से आ गए ये लोग, कौन हीरो दिलवाएंगे, बोले नहीं हम अमिताभ बच्चन आप चॉइस करो उससे हीरो दिलवाएंगे, तो बोले इसमें 4,50,000 रुपए लगेंगे आपको। मैंने कहा भैया मेरे को कोई नहीं चाहिए रिकॉर्ड, वो अभी वो उस अमिताभ बच्चन को 1,00,000 रुपए देंगे, फोटो खिंचा तो दे देंगे अवार्ड इनके नाम का। सो ये क्या है कि आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो। हाँ हमारी बात करें तो हम जब योगा के अंदर जो काम कर रहे हैं, हमें किसी और का सर्टिफिकेट नहीं, मेरे को मेरे परिवार ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे मालूम भी नहीं उन लोगों ने भर दिया मेरे बारे में। ये सर्टिफिकेट से बड़ा सर्टिफिकेट वो मोदी जी वाला भी नहीं हो सकता। आई एम वन ऑलरेडी, ओके। तो योग को जीवन में सदा जोड़ के रखो, ऑलवेज योग इज योर लाइफ स्टाइल, योग इज नॉट ए वन ब्यूटिफुल आसन, ओके। चलिए आज हम कुछ आसन करेंगे। कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है? रागिनी आई थी ना आज, नहीं गई? यस रागिनी जी, वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? वाह आज तो गुरुजी आपको, गुरुजी आपको मेरा एग्जांपल देना था वर्षा जी की जगह। अरे बेटा बात क्या है वर्षा जी, तुम्हें तुम्हारा चेहरा अलग है थोड़ा, पर एक तो एक ही तो, मैंने तो एग्जांपल दिया वर्षा का, देखे रागिनी का, क्या अंतर है वर्षा रागिनी? अरे गुरु जी काम तो मैं करती रहती हूँ लेकिन जब भी आती हूँ कैमरे। नहीं ऐसा नहीं, I have a question, Guruji. Yes. तो कल हमारे घर के सामने एक मेरी एक फ्रेंड है, वो हरे रामा हरे कृष्णा की भक्त है, और कल उनके यहाँ वो प्रवचन था और हरे रामा हरे कृष्णा के वो आए थे गुरु जो वृंदावन में है मंदिर में है। इस्कॉन या तो ऐसे उन्होंने भगवत गीता का एक वो इतना पैराग्राफ कुछ हमने सामने पढ़ा और फिर उन्होंने मतलब समझाया एंड ऑल दैट, बट बाद में उन्होंने कुछ चीजें बोली जो मुझे ठीक नहीं लगी और लोगों ने आर्ग्यूमेंट भी किया, बट उन्होंने ये बोला कि हमेशा आपको जैसे कृष्ण भगवान के चरण हमेशा वो लोटस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लोटस जैसे फीट, उनके लोटस जैसे हैंड्स और व्हाटएवर, तो उन्होंने बोला कि नहीं सबके आगे आपको झुकना चाहिए। तो किसी ने ऐसे ही ग्रुप में पूछा कि ऐसे लेकिन झुकना जरूरी नहीं है, आई मीन, तो उन्होंने काफी अमेरिका की काफी निंदा की कि अमेरिका में देख लो लोग बिल्कुल झुकते नहीं है, जबकि वो इंडियन है ही नहीं, वो फिलिपिनो थे, बट फिर भी उन्होंने काफी ऐसे तरीके से बोला कि नहीं नहीं सबको झुकना चाहिए और सबको ऐसे करना चाहिए, और पहले वो बहुत आराम से सब चीजें बता रहे थे, बहुत शांत थे, लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट हुआ तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस उनके चेहरे पे दिखी, और मैं उस जगह आपको रख के और समझती रही कि वो क्या बोल रहे हैं और गुरुजी होते तो क्या बोलते हैं। फिर मैंने घर आके बोला अपने बच्चों को कि गुरुजी तो ऐसे नहीं बोलते हैं, गुरुजी तो ऐसे बोलते हैं, एंड दे रियली लव्ड यू। गुरुजी इज राइट, क्योंकि वो काफी ऑफेंडेड हो गए, बोलते हैं अमेरिका में तो कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, नहीं 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 अमेरिका में कोई कुछ नहीं ऐसे नहीं करता है, अमेरिकन ऐसे होते हैं, उनको कल्चर नहीं होता है, उनको ऐसे नहीं होता है। तो मैं बोलने वाली थी कि लेकिन आदर तो आपके दिल में होना चाहिए, आप झुके या ना झुके, लेकिन फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला। Again, तो अब आप, हाँ, अब आपकी आपकी विशेष टिप्पणी मुझे चाहिए कि मैं कहाँ
जो आदेश रागिनी जी, हम आपके स्पेशल टिप्पणी आपके सामने पेश करते हैं। लिसन, व्हेनेवर यू गो फॉर लिसनिंग एनी नॉलेज, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, सुनो, सुना उनका ज्ञान। हो सकता है 100 में से 5% आपके लायक बोला, और अधिकांश जहां तक मेरे स्पिरिचुअल लीडर्स में ने, वो कोई गीता उठा लेंगे, वो आपके कोई भी महात्मा हो और कोई भी आध्यात्मिक अवधेशानंद जी हो, वो गीता का एक सेंटेंस उठाकर वो पूरा एक घंटे का प्रवचन कर देते हैं जीवन कैसे होना और वो करना। अब आपने कोई ऐसी बात की ये लोग कभी सुनना नहीं चाहते, ये बोलना चाहते हैं, दिस आर स्पेशली दे आर अनेबल टू डिफेंड एनीथिंग, मतलब हमको क्रॉस कैसे करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ईगो और वो एग्रेसिव हो गए इस बात को लेकर नॉलेज के रिफ्लेक्शन में, तो मेरे हिसाब से अभी भी उनको साधना की जरूरत है। उनसे उनसे प्रश्न करना था आपको कि आप तो जरा से बात में एग्रेसिव हो गए, और एक जीजस थे जिनको हाथ पैरों में कील बांध दी, और उसके बाद भी वो कह रहे थे भगवान इनको माफ कर, ये जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, ये मेरे ही तो बच्चे हैं। तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता, हो सकता है उनका व्यक्तिकरण आपको एग्रेशन लगा, क्या होता था कई ऐसा होता है। मैं इसको ले रिस्पेक्ट एवरी वंस नॉलेज, आदर कोई एग्रेसिव हो या घमंडी हो, आपको अपने हिसाब से कैसे लगता है वो आपको देख, बेस्ट जज यूर सेल्फ। तूने बोला कोई झुकना जरूरी, मैं भी एग्रीड हूं, वो झुकना जरूरी थोड़ी है, झुका मन से जाता है, किसी को दिखाने की थोड़ी झुकूंगा मैं, मन से झुकना वो सब सर्वोत्तम है, एंड गॉड नॉट रिक्वायर। प्रार्थना आदर करना जरूरी है, कैसे की जाए ये जरूरी नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। एक बच्चा माँ के पैरों में हाथ लगा के नहीं करता, मम्मा को हर्ष करके मम्मा आई लव यू करता, वो तो सेम, वो पहले ऐसा होता था कि भाई चरण स्पर्श करके सीधा करके करते थे, वो उस टाइम, अभी टाइम इज चेंज, वो भी सही है ये भी सही है, आपके मन से जुड़ा जाता है। मैं गिड़ भी थी गुरु जी, मेरा मेरा खाली उनसे यही वो था कि आप अमेरिका में आए हो और आप अमेरिका की बुराई कर रहे हो, और भगवान कृष्णा ने ये नहीं बोला है कि अच्छा वो ऐसा है ये वैसा है, तो आप उसमें भी तो आप अच्छा ही ढूंढ सकते थे ना, फिर आप इतना, और वो बराबर सोफे ओफे पे बैठे थे और लोग ऑलमोस्ट उनके चरणों में जाके और क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, गई थी क्योंकि मेरी दोस्त है वो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि मैं वहां पे कैसे रिएक्ट करूं, तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि मैं मेरा आई थिंक माइंड सेट था व्हेन द ग्रुप इज देयर देन यू जस्ट लिसन व्हाटएवर नॉट इज, अपने को लग रहा अपना एक प्रश्न है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड फेथ वालों की भीड़ बैठी है, अंधविश्वास मेरे साथ हमेशा होता था, आई कैन नॉट कोट द नेम ऑफ द माय गुरु, बोल दूंगा रविशंकर जी, वो आके वो कुछ बोले और आप कोई प्रश्न पूछो। मेरा एक प्रश्न था उनसे जिससे मेरे को चिड़, मैंने कहा गुरु जी एक मैच्योर लोगों के लिए 2000, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑन द लाइन, मैंने एक प्रश्न पूछा वहां पे हाथ ऊंचा करके, और मैं बहुत कम प्रश्न पूछता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द 10 and 12 ईयर बिफोर, 14-15 साल हो गए जब मैं नया नया इस फील्ड में, क्या गुरु जी आपको इस कोर्स को जो बनाया आपने इसमें है ना, आपको क्या है एक 50-60 साल के लोगों को कोर्स करवाते वक्त एक उन्हीं एज का समकक्ष का टीचर रखे। अब 50-60 साल के लोग हैं और एक 28-24 साल की लड़की उनको पढ़ा रही है, तो एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं ना। अब बताओ मेरी क्लास ये ले रही है तीर, सब जाने 25-50 लोग बैठे, ये बता देंगे आध्यात्मी है ज्ञानी है, तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि बच्ची की उम्र की क्या सिखाएगी। हो सकता है वो अच्छी बोले नॉलेज को, मैं अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, तो मैं क्या गुरुजी हमको इस विषय में सोचना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा यस आप बोलो, नो नो गुरुजी नो वी एवरीबॉडी एंजॉय ताली बजाओ, मेरी बात करते। तो मतलब आप जो मोप के आगे आप बोलोगे ना, अच्छा भी बोलोगे कि मोप के आगे बोलोगे, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि राम और सीता बहन भाई थे, ये अगर वो सीट के ऊपर बंदे ने बैठ दिया
और इधर आपने बोला राम सीता पति पत्नी थे, नहीं नहीं वो तो बहन भाई थे। मतलब इतने अंधविश्वासी दुनिया में हमारे यहाँ है। आज भी आसाराम बापू बाहर आ जाए तो समागम में लाइन लग जाएगी। वो उनसे नहीं, वो केवल गुरु से गुरु तत्व मान के चल रहे। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, भीड़ का हिस्सा बन के मैं आए के नॉट वर्क। या तो गुरु जी मेरा माइंड सेट था, क्योंकि मैं आपको सुनती हूँ मेरे को लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप जैसे उन्होंने बार बार यही बोला आप वृंदावन आओ आप लोग, और वहां पे जब आप परिक्रमा करते हो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और आप जो मांगोगे आपको मिलेगा एंड ऑल दैट। और उन्होंने ये एक चीज उन्होंने ये बोली गुरु जी कि न्यूयॉर्क में, आई एम सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, न्यूयॉर्क में वृंदावन मंदिर में जो भी उनका जुलूस निकला है जो भी हुआ, तो दरवाजा मंदिर का बंद कर दिया था। तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप मंदिर का दरवाजा खोल दो, तो वो बोले वो लोग कि फिर बहुत सारे ये रोड बेगर्स भिखारी ये सब आ जाते हैं और वो मंदिर में घुसने लगते हैं, इसलिए हम दरवाजा बंद रखते हैं। फिर फायदा क्या हुआ उस मंदिर का गुरु जी? बेटा देख, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपन अपने डिवाइन स्टोरिंग में, हमें मैं को तेरे मैं तूने मुझसे प्रश्न किया, मैं यही कहूंगा उनको कोई राइट नहीं होता कि यहाँ के अच्छे लोग हैं यहाँ के बुरे हैं। अमेरिका के लोग डोनेशन दे देते तो अमेरिका के लोग अच्छे हो जाते। तो सिंपल इन बातों में ना उलझे अपन, उनको गुरु जी। फिर वहां मेरा कंफ्यूजन शुरू हो गया कि गुरु जी तो कहते हैं कि भगवान सब जगह है, आग बंद करो, स्वाध्याय करो और कहीं भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बस सुन के चुपचाप आ गई। ये उससे प्रश्न करना था कि आप एक मूर्ति तक सीमित मांगते हैं भगवान को। चलो ठीक है, अपन अपना टाइम खराब होगा, मैं क्यों करूंगी गुरु जी? फिर मेरे में और उनमें कुछ फर्क नहीं रहा ना। I have enough knowledge. You have knowledge. Respect all, follow one, and everyone has some knowledge. और छोटा छोटा knowledge हम लेसन करते रहो। और सबसे बड़े गुरु तो अपन अपने स्वयं के स्वयं है, और तो कोई टीचर्स लोग आके आपको आपसे जोड़ने की क्रिया में जुड़ोगे। लेकिन गुरु जी वहां जाके फिर मेरी नेगेटिव एनर्जी भी तो वो हो रही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो रही है। तो जैसे आपने बोला कि फिर वो एक माध्यम बन गया आपकी नेगेटिव एनर्जी को इंटरैक्ट करने का। पहली बात अपने आप को रिपेयर करो बजाय उसके प्रोवेशन को रिपेयर करने के, कि वो तो आ गया। अपने आप को नेगेटिविटी आने नहीं चाहिए, मुझे भले कोई कुछ भी बोल ले, हमको तैयार होना है उसको जवाब देगा उसको, वो तो आके पैसा लेके चले आएगा, वो तो एक दिन बाद कहीं और प्रोवेशन देगा। हमने क्या सीखा, अरे हमारी नेगेटिविटी किसे आ गई, ये क्यों बोलना चाहे, नहीं नॉट एट ऑल। वो बोल रहा भगवान को झुकना झुकना, हाँ साहब, क्योंकि हम सुनने गए उसको, उसको सुन लिया, बात खत्म। अप्लाई करना नहीं करना हमारे हाथ में, ओके डन। चलो गुरु जी, बासु जी इज रेजिंग हैंड सिंस अ व्हाइल। बासु जी कहां गए, आप उन्हें अनम्यूट कर दो ना। बासु जी कहां गए? बासु जी यू कैन अनम्यूट। या मैं तो जवाब दे। हां गुरु जी, एक तो बात बोलना था कि डुअलिटी से, डुअलिटी जो है खराब और अच्छा, उससे बाहर निकल, उससे जब बाहर निकलता आदमी तब स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग मैं जो समझाऊ थोड़ा बहुत आध्यात्मिक बारे से, तो डुअलिटी के बाहर जो निकलता है, आपके पेट के अंदर अच्छा चीज भी है बुरा चीज भी है, और वो चीज मेरा ही है। तो ये बात बोलने में खराब लग रहा है, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो वो खराब भी है, सुंदर चीज भी है और अच्छा चीज भी है। तो डुअलिटी से जब भी बाहर कोई आदमी का ना निकले, तो किसी को मतलब किसी स्पीच देना या भगवान के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सॉरी गुरु जी। वेरी गुड, बट आई वन थिंग आई वांट टू से बसु जी, अपनी रागिनी इज राइट ऑन राइट पाथ। बस रागिनी थोड़ी और मच गई ना, तो रागिनी भी कोई बड़ी प्रवचन देने वाली नहीं बन जाए, बड़ी बात। शी इज ऑन राइट पाथ, शी इज डेयरिंग। जो साहस करता है ना बोलने का, क्या ऐसा क्या हुआ गुरु जी, मतलब खुलापन आप में, अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपके पास। कई लोग तो कौन बोले, बुरा लग जाएगा सब, तो आधे लोग ऐसे ही। आई अप्रिशिएट रागिनी बेटा, कीप योर ऑलवेज, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ओके। अगर गुरु जी मैं पहले बोलने वाली थी कि हमारे परिवार से पहले पूछते हैं उनका क्या ओपिनियन है, but then I thought कि फिर बहुत टाइम हो जाएगा, सब वो डिस्कशन में लग जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला।
परिवार के वो मैं धुरी में हूं ना, है ना, तो आपने पूछ लिया, मुझे मालूम है सबका मन चेतन में अभी क्या क्या चल रहा होगा. ओके, सो एप्रिशिएशन आगे. नाउ यस्टरडे वी डिड द ध्यान, थ्रोट, नोस्टल एंड ऑल. नाउ टुडे वी कवर ऑल चक्रास. हाउ, पहले हिंदी में समझ लीजिए, हमें कल्पना करना है हमारे रूट चक्रा पे अपने नोस्टल्स मान के. रूट चक्रा को अब लंबी गहरी श्वास भर के स्पाइन के सारे पूरा ऊपर आके थ्रोट पे रोक लेना है और थ्रोट से होल्ड करके हमें हमारे नोस्टल से छोड़ना है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ध्यान, आई एज्यूम माय नोस्टल्स आर इन ए प्लेस ऑफ टेलबोन. आई स्टार्ट द ब्रेथ इनहेलिंग. मेरी श्वास नोस्टल से ही आना है लेकिन मेरे को मेरे मन के द्वारा उसको ट्रांसफर करना है वहां पर. अब आप फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे को मैंने एज्यूम करा, थ्रोट पे होल्ड कर लिया और नोस्टल से रिलीज कर दिया. आफ्टर रिलीजिंग होल फिर वेट अगेन अटेंशन ऑन द टेल बोन, होल्ड ऑन थ्रोट, एक्सहेल बाय नोस्टल्स, अगेन होल्ड, अगेन स्टार्ट, एटलीस्ट 11 ब्रेथ. ओके, ये हमें करना है, उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे. अभी मैं आपको प्रारंभिक योगिक वार्म अप एक्सरसाइज करवा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपका बहुत प्रिय दुश्मन बोल. गुरु जी, ओके, इनहेल नोस्ट्रल रूट चक्रा पे, तो जब थ्रोट पे आएंगे और नोस्ट्रल से थ्रोट पे होल्ड करना है और नोस्ट्रल से रिलीज करना है बस. बट शब्दों से नोस्ट्रल इमेजिन करना है कि नोस्ट्रल वहीं पे. बेटा मैंने जब कहा कि रूट चक्रा से आपको एज्यूम करना है तो रूट चक्रा पे नोस्ट्रल्स माना आपने. आपने इनहेल करते हुए अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लिया थ्रोट पे और होल्ड करके थ्रोट करके फिर अपने को थोड़ी सेकंड होल्ड करके जब तक आप कर सकते हैं रिलीज कर दी अपने नोस्ट्रल्स से बस. क्लियर? सो अभी ये साइकिल जो चलेगा ना इसमें आप यू कैन फील द चेंज. फॉर एग्जांपल आपका प्रिय दुश्मन जिसने आपको बहुत तंग कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है और आपको आजादी है कि आप इसको कितना भी मार सकते हो और जितना तेजी से मारोगे आप अच्छा. तो जस्ट एज्यूम, यू कैन एज्यूम योर दुश्मन योर नेगेटिविटी ऑल्सो. आप काम क्रोध लोभ को भी अपना दुश्मन मान सकते हो, अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को अपना दुश्मन मान सकते हो. आपको उसे किल करना है आपकी बॉडी को देख के, क्योंकि आप में ही आपकी नेगेटिविटी है, आप में ही आपकी पॉजिटिविटी है. क्लियर? स्पैनिश स्टेट यू. Whatever, KPIs को, whatever जो negativity आपके अंदर जो भी है, भगवान करे हो ही नहीं, लेकिन हो उसको आप बाहर कर रहे हैं श्वास के माध्यम से और मुख के माध्यम से अपने शरीर से दूर कर रहे हैं. श्वास लैपटॉप का ध्यान रखिएगा. अब बात आना जैसे थे ना हम, अब मेरे पास मत आना, मुझसे बात नहीं करना. जस्ट बॉक्स, कंटिन्यू बॉक्सिंग. रिलैक्स, बिकम अवेयर ऑफ योर शोल्डर्स. Now, for example, आपके बेक पर खुजाल चल रही है ना, एंड आपको ये हाथ को ले जाकर आपको वहां रब करना है. मतलब जस्ट माय मोशन इज आपका लेफ्ट शोल्डर्स जितना पीछे जा सकता हो उतना पीछे ले जाए एंड फील द स्ट्रेस ऑन द लेफ्ट साइड.
सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट क्षेत्र के मध्य पर, कभी कभी होता है ना हमको कभी कुछ इचिंग होती है बैक पे, तो हम अपने हाथ की कोशिश करते हैं कि हाथ वहां तक पहुंच जाए, तो जहां तक हाथ पर हाथ पहुंचा उससे आगे आपकी इचिंग हो रही, अरे बाप रे, विद द राइट हैंड आल्सो, रिलैक्स, नाउ विद द क्लोज आइज बिकम अवेयर ऑफ नेवल एरिया, वन जीरो एट टाइम कपालभाति प्राणायाम, 108 बार कपालभाति प्राणायाम करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, स्पाइन स्ट्रेट, टेंस ऑफ रिलैक्स ब्रेथ, now start assuming your nostrils are in a place of tailbone, take a long deep breath from root chakra to parallel of your spine, hold on your throat and exhale by third eyes, root chakra par nasika ki kalpana kar, spine ke sath lambi gehri shwas bhare, kanth chakra par shwas roke aur third eye se shwas bahar kare, नोस्टल से श्वास बाहर करें, कुछ पल खाली श्वास के रहें, पुनः सेकंड ब्रेथ रूट चक्र से प्रारंभ करें, टेक 11 ब्रेथ,
क्या मैं खुश हूं? Am I happy? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तहान है। यूं ही चला चल रुक के सहारे, मिलती है मंजिल हमने किनारे। और कहीं ना रोक न लक ले सपने ये बाहर के, हो राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में चल के मिलेंगे साए बाहर के। साथी न कारवा है ये तेरा इम्तहा है, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तहा है। यही चला चल अपने ही सहारे,
यू आर द बेस्ट फ्रेंड, आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने दुश्मन हैं। मित्र के साथ रह अपने दुश्मन को खोजें और अपनी प्राण शक्ति से काम क्रोध लोभ इच्छा अहंकार रूपी दुश्मन का नाश करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। होले होले श्वास को खाली करें। Become aware of your own name, own body. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो अपनी आंखें खोल सकते। Feel the glass of water. Drink the water glass by your right hand. Remove your right hand and drink the water. पानी का सेवन करें। गुड। मेरे को अचानक ध्यान में गीत आ जाता है जिसमें गाया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, साथी न कारवां है। साथी मतलब मेरे को कोई साथी चाहिए, मेरे को कोई कारवां चले, इतने लोग मदद करने चले तो मैं चलूं। साथी न कारवां है, ये तेरा इंतहा है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, खराब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसके कर्मास काउंट हो रहे हैं, उसका एप्रेजल बन रहा है। आप उसका एप्रेजल बनाने में मदद मत करो, उसके एप्रेजल को देखते हुए अपना स्ट्रेस अपना ट्रैफिक बिगाड़ो मत। ये जन्म आपको किसी को आपको स्वयं के जीवन को सुधारने के लिए मिला है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तहान है, यूं ही चला चल। हम ये सोचेंगे इसने तारीफ नहीं करी मेरी, उसने तारीफ नहीं करी मेरी, प्लीज बॉदर यार। ये तारीफ वारी प्रशंसा तो ये सब बाय प्रोडक्ट है। आपका काम करोगे तो पीछे चलेंगे, ये वो ये भी क्षणिक है। एक दिन पेपर में आएगा, खुश हो जाएंगे, अरे वाह 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 वाह, दूसरे दिन वही गाना। मैं तो ये मेरे में भी आदत थी, वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मैं भी सोचता था मेरा नाम पेपर में छपे। अब छप तो गया, अब मैं बताऊं कैसे। जया तूने पढ़ा पेपर में मेरा नाम, वर्षा तूने पढ़ा मेरे में पेपर में आया, बट व्हाट वी आर डूइंग मिश्रा जी, वी आर बेगिंग और प्रेस। पेपर में आया, पहले मेहनत करके पेपर के संपादक के हाथ पे जोड़े, उससे छाप दिया, उसको फिर अपने फेसबुक पर डाल के अपलोड करके लोगों को दिखा के लोगों ने देखा कि ये क्या है जीवन। अरे अपने आप से मांगो ना प्रेस, सही प्रेस मिलेगी।
कहां जीवन दूसरों के हाथ में दे के रखा होता है ना अधिकांश, ठीक है, होता है ना जीवन में, इससे हटो, दूर करो इसको पास में। मेरा कैसा रिप्रेजेंटेशन, मैंने कैसा करा, कोई बुरा नहीं बोलेगा, सब अच्छा बोलेगा, कोई बोलेगा क्या मुंह पे, कोई बुरा नहीं बोलेगा। इस सबसे ऊपर उठो। मैं, मेरे में भी आदत थी, मेरे में भी गुरु के पीछे से लगता था कि उनका पेट पकड़ लूं, उनका हाथ पकड़ लूं, उनके हाथ में कोई उन्होंने धागा बना के फेंका, वो धागा उठा के अपने पास रख लेता था। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी प्रोसेस है। एक टाइम ऐसा होता था रात को 1:30 बजे मैं आपसे सत्य वचन बोल रहा हूँ, वो मेरा टीवी खराब था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था मेरा, तो बबल बबल आते थे, तो मैं वो गुरु की सुनता था। मेरी माँ सोती रहती, बोल राखड़े सो जा। वो दिन था, चलता 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 आज मैं आ गया कि आज मैं सबसे प्रभावित हूं और किसी से प्रभावित नहीं, मैं सबसे प्रभावित हूं। कोई अच्छा ही हो तेरे प्रणाम, बुरे ही हो तेरे प्रणाम, वो किसी से प्रभावित नहीं हूं, बस मैं अपने आप से प्रभावित हूं कि नहीं, मेन वो चीज। अगर आपसे आ गया माय मेरे गॉड रागिनी रियली यू डिड वेरी गुड, That is your main earning of divine. पेपर में आके फोन करना, सब स्वार्थी लोग हैं। क्लियर? टुमारो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रिक्वेस्ट यू, इफ नोबडी एट 10:30 हमारा भस्म योग सेशन स्पेशल है, इफ यू आर एबल टू, क्योंकि कल मुझे जाना नहीं कहीं भी, वो परसों में निकल जाऊंगा, शायद परसों का सेशन भी मैं होटल से लू और या नहीं लू, आई एम नॉट श्योर। गीता जी, संदीप, तुम्हारी तबियत का ध्यान रखो बेटा, इफ यू आर एबल टू कम इन दैट केस ओनली कम, है ना। गीता जी, अवर टाइमिंग इज 8:30, है ना, ओके। अपना ध्यान रखें, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें, और अगर बाचर गीता जी मेरा फोन नहीं था, 8:30 को हम जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, इसके प्लेटफॉर्म जो पार्किंग स्पेस है वहां पर हमारा पंडाल लगा होगा योग का। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, मैं पहुंच जाऊंगी 8:30 से 9:30 कह रहे हो, और पार्किंग वाली जगह में आना है ना। हाँ, पार्किंग वाली जगह 8:30 से 9:30, और वहाँ पे आपको मेरे हेल्ड हैंड बन के आना है ना, एक खड़े होकर दर्शक बन के नहीं करना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फर्स्ट हैंड तो मेरी वही है ना, वो बाकी कपिल भी आएगा, सब लोग रहेंगे वहाँ पे, ऐसे तो रहेंगे बाकी, लेकिन तू हमारे परिवार के सदस्य पूरे तो अच्छा ना, लाइक संदीप, आई स्पोक टू संदीप ऑल्सो। So, keep your eyes closed, everyone keep your eyes closed. Meeta ji, keep your eyes closed, think about your daughter face. Let's everybody pray for Meeta's daughter. Collectively pray for healthy, smiley life for her. Open your eyes. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों में। शुभम कैसे हो? कैसे हो शुभम? बढ़िया, एलेवली बढ़िया, शुभम बढ़िया, बाकी हम सबसे बात करते रहते। चलिए हम चलते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर। मीता खुश? तू सोचो कि भूल गया गुरुजी ना, हाँ है ना, तू खुद भूल गई थी, हाँ ना, बोल तू खुद भूल गई थी ना। Yes, no? Good Guru Ji. नहीं, मीता बोल रहा हूँ, मीता। मीता, are you, why you are crying or what? No, I'm just sweating. Sweating, हाँ। You forget ना that you asked healing for your daughter? No, मुझे पता आप याद रखोगे। नहीं, मैं भी भूल गया था। मुझे अचानक एक vibration आया। ये होता है देखो दूसरों के काम करने में। अचानक वाइब्रेशन, मेरे को याद नहीं था, अरे आदमी तो मीता ने हीलिंग मांगी, और ऑलवेज ध्यान रखना जो आगे चल के आपको हील करे, मांगे हीलिंग जरूर देना, और इसमें मेरा प्रभु मेरा का साथ देता है, मेरे को अंत के अंत सब याद आ जाता है। ओके, चलिए अपना अपना ध्यान रखें, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, मिलते कल 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार सुबह।